अपनी टोन ठीक कर, टोन सही नहीं है तेरी। ये मेरा पास्ट है, कल मैंने पूरा दिन कोडिंग किया, बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाए। तो आज क्या प्लान है, अब भी क्या कर रही है? कल जो किया वो तो हो गया, फोकस ऑन नाउ। स्क्रीन पर आउटपुट शो करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। यूजर को हमें जो भी बताना होता है हम वो प्रिंट फंक्शन से स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं। पर अगर यूजर से हमें कुछ पूछना है, जैसे उसका नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, तो ये कैसे होगा? ये होगा इनपुट फंक्शन से। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम इक्वल टू इनपुट। हर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस तो लगाते ही हैं। चलो यूजर को हाय बोलते हैं, प्रिंट हाय प्लस और फिर यूजर का नेम। हाय एक स्ट्रिंग है और नेम भी एक स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन होगा। आउटपुट में पहले हाय प्रिंट होगा, फिर यूजर का नेम, रन कोड, इनपुट दिया मैंने बनी, हाय बनी। यहाँ इनपुट फंक्शन में हम एक मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम और फिर स्पेस, रन कोड, व्हाट इज योर नेम, सनी, हाय सनी। अब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, यूजर से दो क्वेश्चंस करेंगे, एक तो उसका नेम क्या है और उसका फेवरेट फूड कौन सा है। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरह से, वैन लाइक्स पिज्जा। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगी, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, और वेरिएबल का नाम दे देती हूँ फेवरेट अंडरस्कोर फूड। प्रिंट में सबसे पहले नेम आएगा, फिर स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन होगा, प्लस लाइक्स प्लस फेवरेट फूड। लाइक्स के आगे पीछे स्पेस दे देंगे। लास्ट में मैं एक टेस्टी इमोजी लगाना चाहती हूँ, प्लस और फिर कोट्स के अंदर इमोजी। जब आप अपने कीबोर्ड पर विंडो और सेमीकोलन एक साथ प्रेस करोगे तब आपको ये इमोजी टैब मिल जाएगा। एक पिज्जा भी लगा देती हूँ, रन कोड, योर नेम मारुति वैन, योर फेवरेट फूड पिज्जा, मारुति वैन लाइक्स पिज्जा। मैम होमवर्क कब मिलेगा? घर जाने की बहुत जल्दी है ना? ओके, ये अब आपको घर से करके लाना है। x equals input print x plus x plus x, suppose input दिया मैंने 1, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? 3, 111, 111 या फिर 333?